बहुत बहुत स्वागत है क्विज के चैनल पर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 100 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, साथ ही प्रीवियस ईयर लगा चुका हूँ, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ वन बाय वन। लेकिन मैं इन 100 मॉक टेस्ट से और साथ ही प्रीवियस ईयर से टॉपिक बाय टॉपिक आपको कराऊंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, ठीक है। और अच्छा, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कराई और ये DI का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा जो एम है आगे जो आने वाला है RRB PO है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं केवल मैं केवल डिक्टो आपको वही कराऊंगा, ना अपनी तरफ से कुछ ऐड करूंगा, कुछ भी नहीं, जैसा आता है वैसे ही कराऊंगा डिक्टो, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन का कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स फॉर जॉब्स एंड द परसेंटेज ऑफ सेलेक्टेड मेल्स एंड फीमेल्स। तो यहाँ पे एप्लीकेशन देखिए, मेल ने टोटल और फीमेल ने इतने, और ये सिलेक्शन परसेंटेज है कि कितने मेल यहाँ पे जो है, जैसे 40% सेलेक्ट हुए हैं और डिसलेक्ट कितने हुए, 60%। फीमेल जो है 60% सेलेक्ट हुई है, मतलब 2008 में जो है, यानी कि डिसलेक्ट कितने हुई है, 40%। तो ये यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सिलेक्टेड मेल्स इन 5 ईयर्स। तो एवरेज नंबर ऑफ मेल्स कह रहा है, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन, तो ये आपका सिलेक्शन का दे रखा है, तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रियल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे फटाफट हम इसकी रियल वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए रियल वैल्यू निकालते हैं, तो मेल के बारे में हम सिलेक्टेड SELECTED सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड मेल, या आप सिलेक्टेड मेल के बारे में लिखाते हैं। देखिए 2008 में मेल कितने सिलेक्ट हुए, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मुझे आगे काम आएगी, ठीक है। 9, और ये आपका कितना आ गया, 10, 11 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा लिख लेता हूँ, ये मेल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें कितने, देखो 400, क्योंकि ये 40% में ना, तो 2 0 कैंसिल, 400 16, ये आपकी 1600 आ गई, ठीक है। अगला कितने हैं, 6 5 30, तो ये हो गया आपका 3000। अगला क्या आ गया आपका, 7 7 6 42, तो ये आ गया 2, और ये आ गया 9 5 45, 9 5 45, और ये 4 कितना, 49, ठीक है। अगला क्या आ गया आपका, 10000 है, तो 2 0 कैंसिल आउट, तो ये आपका जाएगा 7000, ठीक है। अब टोटल इसने पूछा है, एवरेज पूछा है, तो फटाफट ऐड कर दो, 3 और 1 4, 3 और 1 कितना हो गया बोलो, 4 4 4 8, 8 4 12, 12 और 7 कितना हो गया बोलो, 19, और इधर कितना हो गया, 6 2 8, 6 2 8 9 8 17, तो ये हो गया 17, ठीक है 17। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा, और ये, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिया, आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसने एवरेज पूछा है, तो 2075, तो ये इसका एवरेज मतलब कितना है, ये 5 है, 3 2 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 20, 5 1 5, 5 5 25, ठीक है, 4 1 5 0, तो 4 1 5 0 इज द राइट आंसर, ठीक है, बात समझ आई अच्छे से, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल सिलेक्टेड इन 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स में जितनी फीमेल सिलेक्ट हुई हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर रिजेक्टेड इन 5 ईयर्स, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फटाफट यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास मेल्स आगे सेलेक्टेड। अब देखिए कुछ आप कहेंगे सर यहाँ तो ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कुछ DI ऐसे होते हैं जिनमें समय लगता है, कुछ DI ऐसे होते हैं जो जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो ये वाला ये वो DI है जिसमें जो है आपको समय लगेगा, ठीक है। तो आपको ये तय करना है कि इस क्वेश्चन को आपको करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर समय लग रहा है तो आप फटाफट छोड़िए आगे बढ़िए, ठीक है, इसको बाद में अटेंड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं सिलेक्टेड, सिलेक्टेड क्या हो जाएगी, फीमेल, ठीक है, फीमेल सिलेक्टेड। तो अब फीमेल सिलेक्टेड होंगी तो हम फटाफट निकाल लेते हैं, तो कितने हो गए, 60 का 6000, तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 3600, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 7 5 35 7 5 35 और 3 38, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 8 5 40 और 8 5 40, 4 8 32, 4 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 7 2 0 कैंसिल, 12 7 84, 12 7 84 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 0 कैंसिल आउट, 11 5 55, और 11 7 77, और 5 कितना हो जाएगा बोलो, 77 और 5 कितना, 82, ठीक है, ये हो गया। अब ये
फीमेल्स आई हैं, तो इसको भी फटाफट ऐड कर लेते हैं हम। कितना आएगा, 5 5 10, 1 5 6, 8 6 14, 15 15 6, 21, 21 4 25, 25 और 2 बोलो कितना हुआ, 25 और 2 हुआ आपका 27, 2 आया कैरी, 3 3 6 3 9 9 2 11, 11 और 8 19, 19 और 8 बोलो कितना हुआ 27, 27 का ये आ जाएगा 27, ठीक है, ये आ गया 27। अब हमें क्या निकालना है, रिजेक्टेड वाले, ठीक है। तो अगर 60% अगर सिलेक्टेड है तो रिजेक्टेड कितने, 40%, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा टोटल फीमेल तो ये 60,000 है, चाहो तो आप इसको भी इसमें से सेपरेट, 6,000 में से अगर ये सेपरेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो 40% करके, ठीक है। तो मैं ऐसे 40% करके निकाल लेता हूँ, तो 40% 6 चौक 24 दिख रहा है, चलिए 6 चौक 24। उसके बाद कितना है, 55 है, तो 45 के हिसाब से, 45 के हिसाब से बोलो कितना आएगा, 45 के हिसाब से 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31। अगला बोलो कितना आएगा, 45 है, 45 है तो 55 तो बचेगा, क्योंकि 45 सेलेक्टेड है तो 55 क्या डी सेलेक्टेड है, तो 55 का ये 8,000, तो 8 5 कितना लगेगा फिर, ये 8 5 40, 8 5 40 4 44। अगला आपका 70% सेलेक्टेड है तो 30% डी सेलेक्टेड, तो कितना आ जाएगा, 12 3 36, ठीक है, 12 3 36, ठीक है। अगला कितना आ जाता है, 75, ठीक है, 75 आ जाता है, तो ये 75 नहीं, 75 सेलेक्टेड है तो डी सेलेक्टेड कितने, 25, तो 25 के हिसाब से करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 25 के हिसाब से ये आपका जाएगा 25% 0, 25 25 25 25 और 2 कितना देगा बोलो, 25 और 2 27, ठीक है। अब इसको भी फटाफट ऐड कर लीजिए, 5 5 10 हो गया, उसके बाद 4 और 1 5 5 5 5 और 1 6 हो गया, क्योंकि एक कैरी था 6 हो गया, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 7 बोलो कितना हो गया, 16 4 20 3 23 हो गया, 2 कैरी बचा, 3 2 5 5 3 2 5 5 2 7 4 11, 3 14 2 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलो, 16 163, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे का है, तो हम फटाफट निकाल देते हैं, 2 7 7 00 आ गया 16300, ठीक है। 7 में से 3 क्या 4 बचा, 7 में से 6 क्या 1 और 2 में से 1 क्या 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11400, ये आपका राइट आंसर। तो आप इसे देख सकते हैं, ये आपका कैलकुलेटिव पार्ट था। अगर आप चाहें तो आप पहले ही मेल सेलेक्टेड और फीमेल सेलेक्टेड की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ताकि आपको ये सब करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मतलब टाइम यहाँ पर भी लगना है और टाइम आपका उसमें भी लगना है, जब आप इसके टेबल बनाएंगे कि सेलेक्टेड कितने हैं नंबर्स में, ये तो परसेंटेज में दे रखा है, हमें नंबर्स में निकालना है, ठीक है। और हमने यहाँ पर इस पर लिख भी लिया है, ये सेलेक्टेड है और ये डी सेलेक्टेड, ताकि हमें आसानी से पता रहे, अगर हमें अगर मेल्स को निकालना है डी सेलेक्टेड तो उसका भी हमें पता लग जाएगा, ताकि हम को रिलेट कर सके कि आगे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि सेलेक्टेड और जो है डी सेलेक्टेड से रिलेटेड हो, इसलिए हमने इसको अच्छे तरीके से लिख लिया, ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। बात समझ आई, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु रिजेक्टेड इन द ईयर। अब देखिए मेल्स का भी आ गया रिजेक्टेड का, ठीक है, तो मेल्स का आ गया रिजेक्टेड का, तो उस हिसाब से मुझे यहां से निकालना पड़ेगा रिजेक्टेड का। तो फटाफट मेरे को यहाँ पे तो नहीं बना सकता मैं, इसको मैं कहाँ पे बना लूँ, रिजेक्टेड का यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो 2008 हो गया, फिर 2009 हो गया, 2010 हो गया, 2011 और 2012, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेल, वो भी डी सेलेक्टेड, ठीक है, डी सेलेक्टेड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फटाफट निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ से बहुत ही आसान है कैलकुलेशन, अगर आपके फास्ट है तो ये कैलकुलेशन करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। 40% सेलेक्टेड है, मतलब 60% डी सेलेक्टेड है, तो 60% 4,000 का, तो कितना बोलेंगे बोलो, 24,000, 6 चौक 24। 50% है तो 50% आपका डी सेलेक्टेड हुए, तो ये 3,000 हो गया आपका। अगला बोलो 60% सेलेक्टेड तो 40% डी सेलेक्टेड, तो 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। अगला 55% सेलेक्टेड है तो 45 डी सेलेक्टेड है, तो इस हिसाब से 9 9 5 45, 9 चौक 36, 36 और 4 बोलो 40 हो गया, ये आ गया। 70% सेलेक्टेड है तो 30% डी सेलेक्टेड, तो इसके हिसाब से 30% करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 3,000, ठीक। अब इसमें भी हम देख रहे थे डी सेलेक्टेड बोलो कितने हुए, तो ये आपका हो गया 0 और ये 5 का 5 आ गया, 8 4 12, 12 का आ गया 2, कैरी 1, 3 2 5 और 1 6 2 8 4 12 और 3 15, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपके डी सेलेक्टेड मेल हो गए, ये सिलेक्टेड मेल हो गए, ये सिलेक्टेड फीमेल हो गया, डी सेलेक्टेड फीमेल हो गए, ठीक है, बात समझ आई अच्छे से। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु रिजेक्टेड इन द ईयर 2008। तो 2008 में जो
मेल और फीमेल जो है डिसलेक्टेड हुए एंड इन द ईयर 2012 में। तो 2008 में देखो फटाफट, 2008 में जो रिजेक्ट हुए, तो रिजेक्ट हुए हैं कितने, 24,000 तो मेल हैं और डिसलेक्टेड कितने, 24,000, 2400 आपकी क्या है फीमेल से, तो टोटल मिला के आपके 4800 हो गए। 4800 ये 2008 का रेशो, यानी 2008 में जो रिजेक्ट हुए, 2012 में जो रिजेक्ट हुए, तो 2008 का आ गया। तो अब 2012 का देखो, 2012 में रिजेक्ट कितने हुए हैं मेल, तो मेल हुए हैं 3000 और फीमेल कितनी हुई है, 27,500। तो कितना हो जाएगा बोलो, 27,500, तो 3 × 2 = 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5750। दोनों के बीच का आप रेशो निकाल दीजिए, तो 5 × 5 = 45, 5 × 6 = 30 और ये 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25, तो 3392, 3392। तो आपका ऑड नहीं कटा है, तो आपका कितना आ जाएगा, 96:1:15, 96:1 कितना है आपका, 96:1:15, दिस वन इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये वाली टेबल तो आपको बनानी पड़ेगी। हमेशा एक बात आप ध्यान रखना, जब भी आपको जो है टेबल को देखेंगे, तो जो चीज़ जो है आपकी हाइट की रहेगी ना, मैक्सिमम क्वेश्चन वो वहीं से ही पूछेगा, ठीक है। तो बेहतर है आप उसको पहले से ही बना के रख लीजिए, तो जितना समय आपको यहाँ पे आप बना लेंगे, उतने समय आपका क्वेश्चन करने में बच जाएगा, फटाफट आप वो वैल्यू उठाएंगे और उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रिजेक्टेड मेल्स इन 2009 एंड 2012। तो 2009 और 2012 में रिजेक्टेड मेल्स बोलो कितने हैं, तो रिजेक्टेड 2009 में कितने हैं, 3000 और 2012 में कितने हैं, 3000। तो टोटल मिला के रिजेक्टेड मेल्स कितने बोलो, रिजेक्टेड मेल हैं आपके कितने, 6000 हो गए टोटल रिजेक्टेड मेल, 6000 हो गए। अगला, what percent ऑफ द टोटल नंबर इज रिजेक्टेड फीमेल्स 2008 और 2011। 2008 में फीमेल्स कितनी रिजेक्ट हुई थी, 2400 और 2011 में कितनी रिजेक्ट हुई है, 3600। तो 3600 और 2400 के हिसाब से कितना हो रहा है, 3 × 2 = 5, 60 हो गया आपका, ये भी आपका 6000, तो ये आपका 6000 हो गया। तो ये इसका परसेंटेज पूछा है, तो पूरा 100% आ जाएगा आपका, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया 100%, ठीक है। तो 100% ये आपका कितना हो जाएगा, राइट आंसर। बात समझ आई, 100%। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिलेक्टेड नंबर ऑफ सिलेक्टेड मेल्स, द सिलेक्टेड नंबर ऑफ सिलेक्टेड मेल्स इन 2010 और 2012। तो 10 और 12 में जो है कितने मेल सिलेक्ट हुए, तो 10 में कितने मेल सिलेक्ट हुए, ये वे सिलेक्ट, तो 4200 और 12 में कितने सिलेक्ट हुए हैं, 700, तो 7 × 4 = 11, मतलब यहाँ पे क्या है, 7 × 4 = 11, 200, तो ये आ गया आपका 11200। तो ये आपके आगे सिलेक्टेड मेल्स आर हाउ मच परसेंट लेस देन, लेस देन पूछ रहा है, देन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड फीमेल्स इन 2010 और 2011। तो 10 में कितनी फीमेल सिलेक्ट हुई हैं, 10 में 3600 और 11 में कितने, 84, तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 11, 8 × 3 = 11 और ये हो जाएगा 6 × 4 = 10, 1200, ठीक है। ये आ गया आपका 1200, ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 1200। और यहाँ पे मैंने कितना करा था आपका, ये आपके कितना था, 10 और 12 में मेल, 10 में 4200 और 12 में इतना, तो 7000 और 4200, 7 × 4 = 11, तो ये मतलब सही है, ठीक है। और इस हिसाब से ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा ये 3600, नहीं, यहाँ पे कितना था आपका, 10 में और 11 में, 10 और 11 में, हाँ ये था, तो 6 × 4 = 10, 8 × 3 = 11 और 1 = 12, तो ये 12000 आ जाएगा आपका, तो 12000, ठीक है। तो 12000 तो नीचे रहेगा क्योंकि इससे कंपेयर हो रहा है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोलो कितना हुआ, 2 × 2 आया, और सॉरी तो ये 800 का डिफरेंस आया बीच में, ठीक है, 1200 में से 200 गए तो 800 बचे, ठीक है। ये इसका परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है, तो परसेंटेज निकाल लो फटाफट, कितना आएगा बोलो, तो 30 और ये 30 कैंसिल आउट, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, ये आ गया 20/3, 20/3 किसका होता है, 6 × 3 = 18, 3 × 18 = 18, 6.66 या 6.67%, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6.66 या 6.67% ये आपका होता है, ठीक है। या तो आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 का तो जानते ही ना, 2/3 क्या होता है, 6.66%, ठीक है, ठीक है। बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ तक थे हमारे, ठीक है, तो ये था आज का हमारा DI। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में अगले DI के साथ, और मैं आपको सारे क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो एग्जाम में आ रखे हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैं हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।